ये तो इनका बाड़ा को नहीं जो जमद अभी जो टिकट मिलना जानी ये भी उड़ा खड़ा करते हैं। ब्रजेंद्र सिंह 60,000 प्लस था जीतेगा, पिछले 5 साल में कोई काम नहीं हुआ, तो सटना आज लगी एक ईंट भी नहीं लगन दी। देखिए बाकी बार जो मतदाता का मन है और जो बीजेपी पार्टी का है, खट्टर साहब ने एक बात कही थी, वो लोगों को पूरे से ध्यान है कि इलाके के लोग कंधों से मजबूत हैं। कंधों से मजबूत का मतलब ये नहीं है उनके शब्दों में कि ये लोग गोल्ड मेडल लेके आते हैं, और कंधों से मजबूत का मतलब है कि ये लोग भोले हैं, दूसरों की बहकाई में आ जाते हैं। लेकिन अब की बार इस बात का लोगों ने मन बना लिया है कि हमने सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को मत देना और भारी मतों से विजय बनाना। और जो खट्टर साहब ये सोचते हैं कि हरियाणा में जात पात का कुछ चलेगा या पार्टी चलाएंगे, वो मामला टोटल असफल रहेगा। और लोगों का विश्वास है, लोगों का मान सम्मान कांग्रेस पार्टी जो कर रही है, और हमारे यहाँ के जो नेता है चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, माननीय बीरेंद्र सिंह जी, वो दिलों की धड़कन है युवाओं की। उचाणा हल्का जो पिछड़े एरिया में माना जाता है कि कोई विकास ही नहीं हुआ, विकास जितना अगर चौधरी साहब के काम को निकाल दें तो ये एरिया बंजर बन जाएगा। चौधरी साहब ने जितने काम करवाए हैं उन्होंने ही करवाए, इसके अलावा 5 विधायक और रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं करवाया। पानी की निकासी ये निजी समस्या भी है, कई बार पानी की समस्या है, पीने की पानी की समस्या। 22 गांव में चौधरी साहब ने उचाणा के 22 गांव में बाघड़ा से पानी की व्यवस्था कराई है, वो लोग कहते थे ये किसी प्रकार भी संभव नहीं है, वो काम इन्होंने करके दिखाए हैं। तो लोगों का विश्वास, लोगों का जो जुनून जोश और जो ये ये मेहनत है, अब की बार रंग लाएगी और अब की बार उचाणा में विकास कार्यों की झड़ी लगेगी। जो ये एक वर्टिकल हिस्सा अब की बार विकास कार्यों के साथ साथ पार्टी में भी जो उचाणा का होने वाला है उसके लिए उचाणा के युवा बुजुर्ग और होश और जोश से निर्णय लेने वाले हैं। और जो कांग्रेस के कई जो टिकट जो काम करवा जो सुगरमीन जो टिकट मांग रहे थे उनका ये आरोप है कि इन्होंने जेपी की वो करी थी। आप ये बताओ, उचाणा हल्के में 37,000 की लीड हुई है आज तक, पहले जब बीजेपी से MP साहब बने थे ब्रजेंद्र सिंह जी, मात्र 14-15,000 की लीड थी। तो ये 37,000 की जो लीड हुई है, जब मदद करी है, जब सहयोग किया है, सबने मन बना के जो वोट दिया है कांग्रेस को, तभी हुआ ये। लेकिन सर उचाणा की जनता ये कहती है कि MP बनने के बाद भी हमारे बीच जनता के बीच में नहीं आई। नहीं, वो कुछ कारण जैसे कोविड वगैरह आ गया था, बाकी हमारे बीच में रहे, हमारे काम भी किए, हमारे काम चौधरी साहब ने, ब्रजेंद्र सिंह ने फोन पे व्हाट्सएप पे हमने जो किया उनका रिप्लाई किया, डीसी साहब को फोन करके रिप्लाई भी देते हैं, ये इसका काम ये रहा, मिल लेना, ये करना, ऐसे करना, बहुत अच्छा मार्गदर्शन करते हैं। सिर्फ पर्सनली काम करें, आम जनता काम को नहीं, पर्सनल मैं बता रहा हूँ ना, पर्सनल गांव थुआ में स्टेडियम के लिए मैंने एक एप्लीकेशन लिखी, मात्र उस एप्लीकेशन पे DC DDPO और माननीय CM साहब से वो रिकमेंड करवा के लाए गाँव थुआ का स्टेडियम, खेल स्टेडियम, क्योंकि हमारे गाँव में पुराने समय से खेल के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी और ब्रजेंद्र सिंह ने बहुत बढ़िया व्यवस्था करी है। 24 लाख रुपए धन्यवाद जी। जैसा कि आरोप भी लगे कि उन्होंने रणजीत चौटाला के खिलाफ वोट मांगे थे, अब रणजीत चौटाला की उन्होंने मदद की आप वाले इलेक्शन में, आप ही बताओ अगर रणजीत चौटाला की मदद करते क्या 37,000 की लीड होती कांग्रेस की, यहाँ से 47,000 की कैसे होती? ये सब झूठे आरोप हैं। चौधरी साहब के बहुत ईमानदार नेक आदमी हैं, बहुत लंबे टाइम से राजनीति कर रहे हैं, ये नहीं भाई परिवारवाद का लगता है इनको, पर परिवारवाद नहीं है। चौटाला की तरह भाई डबोवाली तभी मेरा घर खड़ा होगा, सरसा तभी उड़ा है, ऊंचाने तभी, भाडड़े तभी, सारे करके, ये तो इनका बाड़ा को नहीं जो जम देने भी जो टिकट मिलना है जानी ये भी उड़ा खड़ा करते हैं। चौधरी साहब का एक ही सदस्य खड़ा होता है, चौधरी साहब का परिवार ईमानदार नेक और काम करने वाला है। अदर पार्टी वाले कह रहे हैं आपकी बारी इस राजघराने को तोड़ेंगे बिल्कुल, ये तो लोगों की बात आप देख लो ना सलाब, जिस तरह बाढ़ आती है ना, चौधरी साहब का ग्राफ ऐसे बढ़ रहा है जैसे बाढ़ आती है ना, एकदम पानी कितना बढ़ता चलता है, ये तो 2 फुट बह रहा होता है, 10 फुट बह रहा है, ये भी हिसाब लगा लो आप कितने का। तो हर एक नेता के साथ देखने को मिल जाता है सर। अरे नहीं ये वोटर तो नहीं मिलते ना, वोटर तो नहीं मिलते, काफिला तो गाड़ी ले आओ, यहाँ तो सभी बड़ी गाड़ियाँ चलेंगे। आपको आपका एक क्वेश्चन था विकास कार्यों के बारे में, एक मिनट, चौधरी वीरेंद्र सिंह के टाइम में शुगर मिल से लेके हल्के में KV सब डिवीजन, सड़कों का जाल, गांव-गांव में वाटर बक्स, कोई आकर एक MLA कोई दूसरा MP ये बता दे कि भाई ये ईट मैंने लगवाई थी, मान जावांगे। शुगर मिल से लेकर KV स्कूल बुडायन में केंद्रीय विद्यालय, यहाँ सब डिवीजन का काम कराने का काम करा, 3 मंडियाँ बनी चौधरी वीरेंद्र सिंह के टाइम में, एक पुरानी होती थी, 2 अनाज मंडी इसके साथ बनी, एक नई अनाज मंडी इसके साथ। लेकिन सर जो लोगों की समस्या पीने का पानी और पानी की निकासी, पीने के पानी की अगर व्यवस्था किसी ने कराई है, 20 गाँव में
बाखड़ा से सीधा वाटर बक्सों में पानी ले जाने का भागीरथी काम अगर किसी ने किया है तो मैडम प्रेमलता ने किया है। कुछ 15 गांवों का जमुना में से सीधा वाटर बक्स में ले जाने का काम अगर किसी ने किया है वो मैडम प्रेमलता ने किया है। वो कहन वाला का कोई मुंह नहीं पकड़ा जाता, कहन वाला तो कहने पाँच साल में पिछड़ गया, कहन वाला तो कहने पाँच साल में पिछले पाँच साल में कोई काम नहीं हुआ। उचाणा का 4-लेन बाईपास का उद्घाटन प्रेमलता के टाइम में हुआ था वो रुकवा दिया, पेगा में स्कूल बनना था वो रुकवा दिया, यहाँ के विकास कार्य रुकवाए गए हैं। तो विकास कार्य अगर गिनवाओ तो चौधरी वीरेंद्र सिंह के गिनवास के उनके पास ये कहने के लिए तो कुछ नहीं कि मैंने ये करवा दिया, यहाँ अगर काम करवाया है तो चौधरी वीरेंद्र सिंह ने मैडम लता मंजूर कराएगी थी, मैडम लता मंजूर कराएगी थी छात्र में कॉलेज और 5 साल गाइड दे दुर्घटना आज लगी एक ईंट भी नहीं लगन दी ओड़ा ये बन जाएगा अगला दिन चेक जी टिकट मांगने वालों को काम टिकट मांगना होता है, ये जो है टिकट मांगने वाले भी ये चौधरी वीरेंद्र सिंह के साथ से ही निकल के गए हैं, चाहे कोई से का इतिहास उठा के देख लेंगे। जनता ये कह रही कि वीरेंद्र सिंह को वोट ना दे, ये जनता तो ये आपके सामने खड़ी है, जनता तो ये कह रही की वोट इतने वोटों से रिकॉर्ड तोड़ ला, पैसे खुद का खर्च करके पूरा जनता हरी है और के गांव थुआ जिला जिन जसवीर ये चलने में सक्षम नहीं है, फिर भी यहां पर पहुंचे हैं, ये फिर भी वीरेंद्र सिंह के आए हैं। फिर के कहवा है बोले पानी की निकासी कौन सा शहर में पानी की निकासी नु तो बता दो पूरा पूरा को नहीं कौन सा में है। विजेंद्र सिंह 60,000 प्लस तक जीतेगा, जमा पक्का उचाणे की जनता सारी की सारी जमा नुक हुआ विजेंद्र सिंह भाई जिंदाबाद। कांग्रेस की टिकट अगर इसको छोड़कर किसी और को मिलती नहीं है तो कांग्रेस एक तरफा जीतती नहीं नहीं उनसे भी ज्यादा जीत है इसकी विजेंद्र सिंह की, उससे भी ज्यादा जीत है इसकी। अब निर्दलीय की नहीं तो वोट कटकर बीजेपी की तरफ जाएगी। 60,000 प्लस तो इसके खुद के वोट है, 40,000 आवेंगे पार्टी के, 90,000 वोट आवेंगे सारे होंगे 100, 200, 2500 और किसी के 2,000 आवेंगे, किसी के 1,500 आवेंगे, किसी के 10,000 आवेंगे और बाकी कुछ नहीं है किसी में। चौधरी वीरेंद्र सिंह जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।